हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रकाश और आप सभी का स्वागत है प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने पीसी विंडोज़ पीसी में फोर्टनाइट गेम को डाउनलोड कर सकते हैं और खेल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। दोस्तों, इस वीडियो पर मैं कम से कम 100 लाइक का एम रखता हूं, जो मेरे ख्याल से आप लोग जरूर कर देंगे। तो 100 लाइक कर देना तो मैं आपके लिए ऐसी नई नई कमाल की वीडियो हमेशा लाता रहूंगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने पीसी में फोर्टनाइट गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको अपने पीसी में कोई भी ओपन कर लेना है, कोई भी एक ब्राउज़र। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये क्रोम ब्राउज़र ओपन है, तो आपको इसके सर्च बार में लिखना है फोर्टनाइट डाउनलोड, फिर आपको इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इपिक गेम्स फोर्टनाइट ये वेबसाइट आ जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहली वेबसाइट होगी, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, विंडोज़, मैक, आईओएस और एंड्रॉयड। आईओएस और एंड्रॉयड के लिए भी आप इसमें से फोर्टनाइट गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं विंडोज़ पर क्लिक करके, क्योंकि हमें विंडोज़ पीसी के लिए इस गेम को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आते हैं दोस्तों, ये जो डाउनलोड होना शुरू हो गया है एपिक इंस्टॉलर, एक ऑलरेडी हो रहा है और दूसरा शुरू हो चुका है। एक को हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये होने वाला है डाउनलोड। अब हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसमें साइन अप करना है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ, ताकि आप लोग अपने पीसी में इस गेम को खेल पाएँ। और दोस्तों, इस गेम को खेलने के लिए आपके पीसी में कम से कम 8 या फिर 4 GB रैम होनी चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम होगी 4 GB से रैम तो शायद ये गेम नहीं चलेगी आपके पीसी में। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन, ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। ओपन पर हम क्लिक करते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ से। तो गाइस, हमारे सामने ये जो देख सकते हैं आपकी ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर फोल्डर दिखा रहा है कहाँ पे ये सेव होगा, तो हमें इसे ऐसे ही रहने देना है। अब इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और मेरा पीसी भी काफ़ी स्लो हो चुका है, तो इसकी वजह से दोस्तों आपको थोड़ा सा लेग होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर यस आपको कर देना है। अभी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, सब डार्क हो गया, लेकिन एक फोल्डर मेरे सामने आ चुका है एक आइकन, तो हमें इस पर यस कर देना है। इंस्टॉलिंग द एपिक गेम्स लॉन्चर, तो हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी में, विंडोज़ पीसी में, या फिर अगर आपके पास मैक पीसी है तो आपको मैक पीसी के लिए इसे डाउनलोड करना होगा, या फिर आईओएस या फिर एंड्रॉयड है तो भी। और ये जो क्रोम ब्राउजर ओपन है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, एक्सिट। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और इस वीडियो पर दोस्तों हमने 100 लाइक यानी कि 100 लाइक का एम रखा है, जो मेरे ख्याल से आप लोग जरूर कर देंगे, तो लाइक एंड शेयर कर देना। दोस्तों, फोर्टनाइट गेम आपको पता ही होगा कि पबजी की तरह यह भी काफ़ी पॉपुलर गेम है, दूसरे देशों में इसे काफ़ी खेला जाता है, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में शायद मैंने देखा नहीं है कि कोई इसे खेलता है, लेकिन कम लोग खेलते हैं, लेकिन पबजी को सबसे ज़्यादा खेला जाता है। इंस्टॉलिंग अपडेट, तो इसको भी होने देना है, वेरीफाइंग अपडेट। अगर दोस्तों आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर इंटरनेट स्लो हुआ तो काफ़ी टाइम लग सकता है इसे इंस्टॉल होने में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इधर 356 MB का एक छोटा सा एक अपडेट है, डाउनलोड हो रहा है, तो इसे भी डाउनलोड होने देना है। तो दोस्तों, ये अपडेट जल्दी ही डाउनलोड होने वाला है। ओके, डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉलिंग अपडेट हो रहा है, वेरीफाइंग अपडेट, तो इसको भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है या फिर जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं अपने पीसी में, और आप भी शायद फर्स्ट टाइम ही इंस्टॉल करें अपने पीसी में, तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हों और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि आपको हमारे ऐसे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है हमारे चैनल को, तो सपोर्ट ज़रूर करना, ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहना। तो अब हमें इसे यस कर देना है,
शायद आप लोगों को कोई ऑप्शन दिखा कि नहीं, लेकिन मेरे स्क्रीन पे ऑप्शन आया था और शायद आपका सब डार्क आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको यस का ऑप्शन आएगा तो आपको यस कर देना है। इसको भी शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इंटरनेट स्पीड भी स्लो है। और तो दोस्तों वो सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, कुछ ऐसा पेज आ जाएगा जो कि इधर आप देख सकते हैं कि शायद लोडिंग चल रहा है। तो इसको भी होने देना है क्योंकि गेम बहुत बड़ी गेम है और टाइम भी इसको लग सकता है इंस्टॉल होने में। अभी दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आप कैसे इसमें वेरीफाई करना चाहते हैं, फेसबुक, गूगल, पिंट्रेस्ट या फिर इनसे, या फिर फर्स्ट टाइम आप इसमें साइन अप भी कर सकते हैं, साइन अप या फिर साइन अप इन लेटर। तो मैं जल्दी से गूगल से साइन अप कर लेता हूँ। इसमें साइन अप कर लिया है और ये हमारा यूज़र नेम आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम लगा सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं और हमें भी पता नहीं है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये सब काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इपिक गेम्स हमारे सामने आ चुका है और हमारे सामने है ड्रॉपिन टू न्यू वर्ल्ड, ड्रॉपिन टू न्यू वर्ल्ड, फॉर्टनाइट, गेट फ्री, इधर आपको फ्री लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये है फॉर्टनाइट की कुछ इमेजेस और इसमें आपको बताया गया है कि क्या क्या चाहिए। मैक्सिमम एंड रिकमेंडेड विंडोज 7 10 8 64 बिट, विंडोज 7 8 10 64 बिट, सीपीयू आई कोर 3 2.4 GHz और सीपीयू रिकमेंडेड में i5, 4 GB RAM तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों मिनिमम, और रिकमेंडेड ही 8 GB क्योंकि 8 GB में अच्छा से चलेगी। सीपीयू इंटेक्स 4000 सॉरी, और जीपीयू अगर आपके पास 4 GB RAM वाला पीसी है तो उसमें भी दोस्तों ये रन करेगी। तो ये वीडियो चल रही है फोर्टनाइट की, तो हमें गेट पर क्लिक कर देना है। गेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने दूसरा पेज आ जाएगा, लोडिंग योर ऑर्डर, और ये दोस्तों फ्री है तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ही। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्राइस 00, पहले ऑर्डर पे हमें क्लिक कर देना है, कंफर्म ऑर्डर, थैंक यू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडी टू इंस्टॉल, एक पॉपअप आ गया होगा एक छोटा सा, फोर्टनाइट इज रेडी टू इंस्टॉल, इंस्टॉल नाउ और व्यू इन योर लाइब्रेरी, यानी कि हम इधर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और ये गेम हमारे पीसी में इंस्टॉल हो जाएगी। और ये आप वीडियो भी देख सकते हैं कि वीडियो चल रहा है इधर फोर्टनाइट का, तो इसको हम कर देते हैं ऑफ। इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से, या फिर यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं ऑन पर। फिर आपको ये जो डिस्क्रिप्शन है एग्रीमेंट आपको लास्ट तक ऐसे ले जाना है, फिर आपको आई हैव एग्री पे क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। फिर आप यहाँ पे ऑटो अपडेट करना चाहते हैं या फिर क्रिएट शॉर्टकट, या फिर आप इसे कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं इसकी फाइलों को, तो आप यहाँ से जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक दूसरा पेज हमारे सामने ओपन होके आ गया है। अभी ये दिख नहीं रहा है लेकिन दोस्तों अभी थोड़े से देर में दिखना शुरू हो जाएगा। ऐड ए फ्रेंड, कनेक्शन, कनेक्ट योर सोशल अकाउंट, फाइंड फ्रेंड, एपिक गेम्स। अभी हम एक्सेप्ट कर देते हैं इसको। इंस्टॉल फेल्ड, तो अभी आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल क्यू ए फेल्ड हो चुका है। ट्राई टू फ्री अप स्पेस ऑन योर ड्राइव, अटेम्प्ट टू इंस्टॉल अगेन, अन इंस्टॉलिंग एंड डी इंस्टॉलिंग रिक्वायर लेस स्पेस, देयर इज नॉट यू स्पेस एट द प्रोग्राम फाइल एपिक्स फोर्टनाइट। आप देख सकते हैं कि 70 GB खाली होनी चाहिए, केवल हमारे 46 GB अवेलेबल है, यानी कि यू नीड एडिशनल 24 GB परफॉर्मेंस इंस्टॉलेशन। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी हमारे पास 46 GB हमारे कंप्यूटर में खाली है, हमें 70 GB चाहिए, 70.70 GB, तभी दोस्तों ये गेम हमारे पीसी में इंस्टॉल होगी। तो ओके हम ओके कर देते हैं। फिर जो भी मुझे डिलीट करना है वो डिलीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ।
अब ऑनर पर हम क्लिक करते हैं, ओवन पर। अब देखते हैं कि डाउनलोड होती कि नहीं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इस गेम की साइज़ कितनी है, 74.10 GB। तो गाइस गेम तो काफ़ी बड़ी है और इतनी इतना इंटरनेट तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आप यहां से इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में कुछ इस तरह से। अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए इस तरीके का, ताकि आपके कंप्यूटर में इस गेम को आप देख पाएँ और प्ले कर पाएँ आसानी से। अगर आपके पास इतना इंटरनेट है, अगर आपके पास वाईफाई है, तो आप आसानी से इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मेरे पास इतना इंटरनेट नहीं है कि मैं इसे आपको डाउनलोड करके दिखा पाऊँ, लेकिन आप इधर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो अभी ये पॉज पड़ा है। अगर हम प्ले यहाँ पर जिसम कर देंगे तो दोस्तों इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है इस गेम की, और ये डाउनलोड होगी तो हमारा जो भी डेटा है वो भी ख़त्म हो सकता है। 32 GB भी काफ़ी कम नहीं है, तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास इतना इंटरनेट है तो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई बढ़िया और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।